महक को तो ये वाला पसंद आ गया है, जैसे कि आप देख सकते हो ये वाला उसको अच्छा लग रहा है। ये वाला इसका डेप्थ भी अच्छा है, 16 इंच बता रहा है अंदर तक, वो तो अच्छा है, मजबूत भी है। और महक को इधर समोसा देख रहे हो, चटनी में खा रही है समोसा, क्योंकि इनका तो उपवास ही नहीं देख रहे हैं। की और पूरा फटाफट से बेड को ऊपर चढ़ा दिया गया है। अब देखो गाइस कितनी स्पीड से ये लोग काम कर रहे हैं, बहुत स्पीड से फटाफट से इन्होंने नीचे से भी स्क्रू। गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल, कैसे हो आप सभी लोग, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। सो गाइस आज हम जा रहे हैं हमारे घर के लिए एक बेड लेने के लिए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इतने टाइम से हम लोगों के पास में बेड नहीं था और नीचे सो रहे थे हम लोग, तो फाइनली थोड़ा सा बेड लेने के लिए चलेंगे, क्योंकि ताकि उसमें स्टोरेज का भी सामान होगा और वो भी हम लोग उसमें रख सकेंगे, जो घर में थोड़ा बहुत अटाला पड़ा रहेगा तो वो भी उसके अंदर रख सकते हैं हम लोग। और तो बहुत सारी स्टोरेज का भी काम करेगा बेड और हमारे लिए सोने के लिए भी काम करेगा। तो चलते हैं गाइस और वहाँ चल के ऑप्शन देखेंगे कौन कौन सा बेड है। वैसे तो हम लोगों को दो जने हैं तो दो जने के हिसाब से हम लोगों को बेड चाहिएगा, तो वही हम लोग एक बजट बना लिया है हम लोगों ने और बजट के अकॉर्डिंग ही हम लोगों को बेड लेने के लिए चलना है। तो गाइस अब चलते हैं, महक की भी बहुत दिन से ख्वाहिश थी कि बेड लेना चाहिए, अपने को एक बेड लेना चाहिए, तो फाइनली आज वो दिन आ गया और हम लोग चाह रहे हैं बेड लेने के लिए। तो अब चलते हैं, महक रेडी हो? देखो महक तो हमेशा रेडी रहती है गाइस, तो अब चलते हैं फटाफट से और चूज़ करते हैं वहाँ पे कौन कौन सा ऑप्शन है अपने लिए और फिर चूज़ करके आप लोगों को बताते हैं आगे की वीडियो में। तो व्लॉग में बने रहिएगा गाइस और चलते हैं अब फिर बताते हैं आपको आगे। हम पहुँच चुके हैं फर्नीचर की शॉप पे, जैसे कि आप देख सकते हो कि बहुत सारे सोफे भी रखे हुए हैं और उस सेक्शन में बेड भी रखे हुए हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों को बेड चूज़ करना है, तो बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि देख सकते हो पूरी फर्नीचर की शॉप है, जो पूरा आउटलेट है ये पूरा भरा हुआ है। तो अभी चलते हैं, हमको बेड लेना है तो बेड के लिए चलते हैं और बेड देखते हैं, फिर आपको बताते हैं कि कौन सा बेड हम लेने वाले हैं। और मैं तो बहुत एक्साइटेड हो रही है, देख सकते हो आप उसको ये देखो अभी से सोफे पे बैठ गई है, ये देख सकते हो ये भी देख लेते हैं ना, अभी इसको भी लेंगे वो तो लेंगे, लेकिन अभी अपन जो मकसद है अपना पहले बेड लेना है, फिर धीरे धीरे करके चीज़ें बसाएंगे, लेकिन अभी सबसे पहली चीज़ तो हम लोगों को बेड चाहिए, तो बेड के लिए हम लोग आएँ तो पहले बेड देख लेते हैं, उसके बाद में फिर दूसरे ऑप्शन बाद में देखेंगे। तो चलते हैं, चले गाइस। देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं और अलग अलग तरह की डिज़ाइन में भी बेड रखे हुए हैं, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा होगा हमारे लिए, क्योंकि हम लोग अभी दो जने हैं तो उस हिसाब से, और ये थोड़ा सा महंगे कॉस्टली भी पड़ रहे हैं। और ये हैं देख सकते हो आप, सिंगल बेड रखे हुए हैं ये वाले, लेकिन इसका थोड़ा सा जो डेप्थ है वो थोड़ा सा कम लग रहा है, और इधर वाले जो रखे हुए हैं इसका डेप्थ अच्छा है वैसे। गाइस महक को तो ये वाला पसंद आ गया है, जैसे कि आप देख सकते हो ये वाला उसको अच्छा लग रहा है। ये वाला इसका डेप्थ भी अच्छा है, 16 इंच बता रहा है अंदर तक वो, तो अच्छा है, मजबूत भी है। तो गाइस हमें ये वाला बैग पसंद आया है तो हम इसको बुक कर रहे हैं और अच्छा भी लग रहा है, सिंगल बेड है, बेटर है, दोनों के हिसाब से बहुत है हमारे, ये वाला है अच्छा लगा ना। हाँ सो गाइस ये वाला बेड हम लोगों को पसंद आया, जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर रखा हुआ है, और अब यही लेंगे और फिर चलते हैं, इसकी फटाफट से बुकिंग करा देते हैं और फिर फटाफट से घर आएगा तो फिर देखते हैं। सो गाइस देख सकते हो कि महक तो यहाँ पे थोड़ी देर रुकी थी और उसको समोसा खाना था चटनी के साथ में, तो ये समोसा खा रही हरी चटनी के साथ में, देख सकते हो आप, और बहुत मज़ा आ रहा है उसको। तो गाइस हम लोग आए थे और महक को इधर समोसा देख रहे हो, चटनी में खा रही है समोसा, क्योंकि इनका तो उपवास ही नहीं देख रहे हैं, देख सकते हो कि टेस्टी लग रहा है क्यों महक। गाइस मेरा तो उपवास था, जैसे कि आप लोगों को पता है कि सैटरडे था, तो मेरा तो उपवास होने की वजह से आज फिर मुझे ये खाना पड़ा, क्योंकि अच्छा ये उपवास में चलता है तो उपवास में खा सकते हैं। रसमलाई जैसा है ये, मतलब जैसे कि आप आइसक्रीम खाते हो ना, मटका कुल्फी उसी टाइप का कुछ बना हुआ है। हे गाइस हम लोग घर पहुंच चुके हैं और घर पहुंचने के बाद में हम लोग सबसे पहले तो बैठे हैं, थोड़ा सा कपड़ा वपड़े चेंज करे, थोड़ा सा रिलैक्स हुए, और उसके बाद में अभी उन्होंने बोला है जहाँ पे हम बेड बुकिंग करवा के आए हैं, उन्होंने बोला है कि 2 घंटे में आपके पास में बेड पहुंच जाएगा। अब देखते हैं थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे क्या जो स्टेयर्स है वो थोड़ा सा कंजेस्टेड है, तो पता चलेगा कि वो भैया लोग जब डिलीवर करने आएंगे तो वही बता पाएंगे कि यार आपका जो बेड है वो किस तरह से ऊपर सीढ़ियों में आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, या फिर खोल के लेके आना पड़ेगा, तो वो आपको आगे ही पता चलेगा। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है, खोल के लाना पड़ेगा या फिर ऐसे डायरेक्ट आ जाएगा, तो देखते हैं, ब्लॉग में बने रहिएगा गाइस। हे गाइस हमारा बेड आ चुका है, जैसे कि आप देख सकते हो कि टेम्पो के अंदर हमारा बेड आया है, अभी पता चलेगा कि यार वो सीढ़ियों में आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, भैया लोग अभी उतार रहे हैं फिर चेक करेंगे। सो फाइनली गाइस हमारा बेड आ चुका है और नीचे इसको ओपन कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा कैसा नहीं आ पाएगा ऊपर, देख सकते हो आप यहाँ पर ये भी खड़े हैं। हेलो
सो गाइस, हम लोगों ने पूरी कोशिश करी थी कि ये ऊपर चढ़ जाए, लेकिन ऊपर चढ़ा नहीं, तो उसको खोल के ही लेके आना पड़ा। फिर हम लोगों को आप देख सकते हो और अलग अलग पार्ट्स में हो गया है, अब इसको वापस वो जोड़ रहे हैं पार्ट्स को। और गाइस, बहुत मेहनत लगी इसको ऊपर चढ़ाने के लिए, भी थोड़ी सी हेल्प मैंने भी की, और भैया लोगों तीन जने थे ये लोग, तो इन्होंने पूरी हेल्प की और पूरा फटाफट से बेड को ऊपर चढ़ा दिया गया है। अब देखो गाइस कितनी स्पीड से ये लोग काम कर रहे हैं, बहुत स्पीड से, फटाफट से इन्होंने नीचे से भी स्क्रू खोल दिए और अब फटाफट से यहाँ पे जोड़ देंगे ये लोग। 10-15 मिनट में ऊपर भी आ गए ये लोग, बहुत स्पीड से काम कर रहे हैं। अब फटाफट से रेडी होगा गाइस, उसके बाद अच्छा लगेगा बेड, आप लोगों को देखने को मिलेगा कैसा लगता है बेड। और फाइनली आज महक सोने वाली है बेड के ऊपर। मजा आएगा आज तो, है ना, अच्छा लगेगा कि घर में रौनक भी आएगी थोड़ी सी बेड होने की वजह से। हे गाइस, फाइनली अब देख सकते हो कि महक हमारी पूजा कर रही है और बहुत अच्छी लग रही है महक पूजा करते हुए। फर्स्ट बार हमारे घर में कोई सी भी चीज़ आती है तो उसकी पूजा ज़रूर बनती है गाइस, तो इसलिए महक और हम दोनों उसकी पूजा कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो बना रही है, स्वास्तिक बहुत शुभ माना जाता है इसको, तो इसको हमने कम्प्लीट बना लिया और साथ में एक त्रिशूल भी बनाया है हमने, ताकि भगवान भोलेनाथ की कृपा से ये सावन के महीने में हमारे घर में एक शुभ चीज़ आइए, तो उनका तो निशान बनाना बहुत ज़रूरी है। देख सकते हो पूजा कर ली गई है हमने अच्छे तरीके से। ये खड़ी हुई है मैडम, कैसा लग रहा है, कैसा फील कर रहा है? इसके ऊपर गद्दा वगैरह सब आएगा तो और अच्छा लुक देगा ये। ऐसा? चलो खुश तो हो, ये आप यूट्यूब फैमिली की देन है जो इतना खुश है हम लोग। खुश है वो इतना सब कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। में सेटल होने का टाइम होता है तो धीरे धीरे कर रहे हैं गाइस। अगर बीच में हार मान जाओ तो फिर क्या होता है, समझ सकते हैं अच्छे से। हमें कितनी हमने तकलीफ झेली है, कितनी परेशानी, हम दोनों कितनी परेशानी थे, हमारे पास एक रुपया नहीं था, अगर उस टाइम में इनका साथ छोड़ देते तो आज हम साथ में खुशी नहीं रह पाते, या तुमने उस टाइम में साथ नहीं दिया तो आज क्या। तो इसलिए कहते हैं हर सिचुएशन में इंसान का साथ देना चाहिए, अगर मुसीबत भी हो तो साथ देना चाहिए, अगर खुशियाँ भी है तो खुशियाँ भी साथ में ही इंजॉय करनी चाहिए। मेरा तो बस यही कहना है कि हर चीज़ में अपने हस्बैंड का साथ दो, अगर वो ज़्यादा ही मतलब डूबा हुआ भी होना, पानी में भी होना, तो उसके साथ खड़े रहो, तो उसकी हिम्मत बनी रहेगी, तो उसकी हिम्मत बनी रहेगी तभी वो आगे तक सोचेगा कि नहीं, मेरी पत्नी, मेरी वाइफ मेरे लिए इतना सोचती है, इतना करती है, तो मैं भी उसके लिए अब कुछ करके दिखाऊंगा। तो मेरे हस्बैंड भी कुछ करके दिखा रहे हैं और मैं भी कुछ करके दिखाऊंगी और करी रही हूँ गाइस, आप लोगों को दिख ही रहा होगा, बस इतना ही कहना चाहती हूँ। गाइस देख सकते हो कि हमारा बेड अब कितना खूबसूरत लग रहा है, इस पर प्रॉपर हम लोगों ने तकिए जमा दिए हैं, बिस्तर जमा दिया और एक बेडशीट भी हम लोग लेके आए थे, तो बेडशीट भी लगा दी है, देख सकते हो आप, नीचे चटाई लगा दी है, तो घर का लुक बहुत अच्छा लग रहा है देख सकते हो। और अब हम लोगों को सोने में भी अच्छा कम्फर्टेबल फील होगा, और साथ में आप देख सकते हो कि इसके अंदर नीचे की साइड स्टोरेज भी है, तो स्टोरेज का काम भी करेगा ये, देख सकते हो आप, यहाँ पर स्टोरेज के लिए भी ऑप्शन है, तो बहुत अच्छा रहेगा, स्टोरेज भी का भी काम आ जाएगा इसके अंदर। और प्रॉपर आप देख सकते हो कि अच्छा बेड है और इंच भी अच्छा है, मतलब इसका सोने में भी प्रॉपर मज़ा आएगा। सो गाइस यही है।